तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल की एक हिडन टिप बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के लिए। दोस्तों आप बोलोगे यार हर बार तो कमाल की बोलता है, तो भाई क्या करूँ, हर बार मुझे कमाल की एक ना एक टिप मिल जाती है या एक ना एक हिडन फीचर मिल जाता है। ये जो हिडन फीचर है वो है वॉलपेपर से रिलेटेड। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में आप वॉलपेपर बार बार चेंज करते हैं तो ये वाला फीचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम के लिए आने वाला है, या बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। भाई यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, भाई और बहनों जो भी हो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि यार मैं और जल्दी और अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी कर सकूँ और अच्छे अच्छे टिप्स ला सकूँ, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये है वॉलपेपर से रिलेटेड या लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर से रिलेटेड। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में बार बार वॉलपेपर चेंज करते हैं, चाहे अपने बैकग्राउंड का होम स्क्रीन का हो चाहे अपने लॉक स्क्रीन का हो, तो आपको बार बार चेंज करना हो, आपको पता होगा कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में इकट्ठे 15 वॉलपेपर इकट्ठे सेट आउट कर सकते हैं जो कि टाइम टाइम पे ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। कैसे वो भी मैं पहले आपको बताता हूँ। तो पहले गया मैं सेटिंग पे, सेटिंग गया वॉलपेपर में, वॉलपेपर में जाने के बाद मैं चेंज वॉलपेपर में गया, चेंज वॉलपेपर जाने के बाद मैंने यहाँ पर गया अपना एक फोल्डर को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया जिससे मुझे वॉलपेपर को लगाना है या जिससे जिसके थ्रू मुझे वॉलपेपर ऐड करना है। तो लाइक मैं अपने इस वॉलपेपर वाले थोड़े से मेरे फोटोज़ हैं मैं इसमें आ गया, अब उसमें से मुझे किस में वॉलपेपर लगाना है तो मैंने उसको यहाँ पर सेट आउट कर लिया। तो ऐसे आप इकट्ठे 15 वॉलपेपर लगा सकते हैं, जैसा कि वहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है इकट्ठे आप यहाँ 15 लगा सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 6 लगा दिए और यहाँ से मैंने इसको डन कर दिया। बट ये क्या होगा, ये सिर्फ कायम में काम करेंगे, सिर्फ लॉक स्क्रीन पर ही काम करेंगे और ये उस और पे वर्क नहीं करेंगे, ये सिर्फ लॉक स्क्रीन पर ही काम करते हैं। अगर आप उसको होम स्क्रीन पर करना हो तो ये होम स्क्रीन पर वर्क नहीं करेंगे। जैसा कि अब मैंने इसको लगा दिया, अब जितनी बार मैं यहाँ पर लॉक करके अनलॉक करूँगा वो हर बार यहाँ पर वॉलपेपर चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे ये हर बार वॉलपेपर चेंज यहाँ पर हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया है, तो नॉर्मल ये तो हर किसी को बताओ और ये कोई भी कर सकता है। अब इसमें नया एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तों, वन यू आई 5.1 होने के बाद आपको रूटीन वाले सेक्शन में वहां पर वॉलपेपर चेंज करने का एक्शन दे दिया गया है। जैसे कि आप यहां जाएंगे सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ रूटीन वाले ऑप्शन पे, यहाँ जाना है मोड्स एंड रूटीन्स पे, मोड एंड रूटीन्स पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे मोड्स पे। बाय डिफॉल्ट आपको इतने सारे मोड दे दिए गए हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ये वॉलपेपर चेंज होते हैं। जैसे कि स्लिप में जाएंगे, आप स्लिप में जाते हैं कि वॉलपेपर कैसा चेंज हो, तो आप यहाँ पर उसको भी एड ऑन कर सकते हैं कि वॉलपेपर चेंज किया, इवन आप क्लॉक का जो टाइम का जो वो उसका स्टाइल है वो भी यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं। एक एक उसमें इंडिविजुअल जाके आप यहाँ पर उसको चेंज आउट कर सकते हैं, जो भी आपने लगा के रखा है उसके अंदर आप जाके उसको यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं। बट यार हमें इसको बार बार चेंज नहीं करना, हमें तो सिर्फ वॉलपेपर ही चेंज करना है, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए आपको जाना है यहां पर रूटीन्स में और यहां पर आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे रूटीन पे क्लिक करने के बाद यहां पर जाना है आपको ऐड पे। आप ऐड पे जाने के बाद आपको क्या एक्टिविटी करनी है, वॉलपेपर चेंज की है ना, तो यहां पर आपको जाना है नीचे की तरफ आएंगे स्टार मैनुअली पे, स्टार्ट मैनुअली पे जाने के बाद सॉरी यहां पर आपको जाना है, यहां पर आपको जाना है स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे मैं आ गया। आप चाहें कोई सा भी एक्शन ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे एक्शन रखे हुए हैं, आप जिस एक्शन में जाएं उस एक्शन पर ले सकते हैं कि लाइफ एक उस प्लेस पर जाएं तो वॉलपेपर चेंज हो जाए। तो मेरे को जो सबसे अच्छा फीचर लगा इसमें ये टाइम वाला यार, तो मैंने इस टाइम को यहाँ पर एड ऑन किया। अब मेरे मोबाइल में अभी आप टाइम देख रहे हैं कितना हो रहा है, 5:58 हो रहा है, तो लाइक मैंने यहाँ पर लगा दिया 6, ठीक है जब तक इतना तो बज जाएगा 6:00 लगा दिया, और ये मैंने यहाँ पर आप जितने टाइम भी इस टाइम जैसे मान लो सबको सेट कर लूँगा तो इस टाइम ऑटोमेटिकली मेरा वॉलपेपर वो हो जाएगा। अब मैंने उसको सेट आउट करा, यहाँ से मैंने उसको डन करा, डन करने के बाद अब जाना है आपको देन पे, देन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर चेंज करना है, तो यहाँ पर जाना है आपको वॉलपेपर में, और वॉलपेपर में आपको कौन सा वॉलपेपर चेंज करना है, आप डार्क स्क्रीन मोड को चेंज करना चाहते हैं या फिर चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर या चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर। तो मैंने पहले गया चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर पे, अब चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर पे जाने के बाद मैंने गया यहाँ पर फोटोज में, अब जो मुझे जैसी भी मेरी फोटो मिल गई मैंने उसको लगा दिया होम स्क्रीन वॉलपेपर पे। आप देख रहे होंगे वो आपको सजेस्ट भी कर देगा कैसा लगाना है, और आपने इसको यहाँ से डन कर दिया, ठीक है। अब आपको करना है लॉक स्क्रीन की भी, तो आप वापस जाइए, वापस यहाँ पर वॉलपेपर में जाइए, यहाँ जाइए लॉक स्क्रीन पे, और यहाँ से वापस आपको अपनी कोई सी भी फोटो को चूज कर लेना है जिसको आपको लगाना है। तो लाइक मुझे ये वाली फोटो को लगाना है, ठीक है।
अब मैंने इसको चेंज कर दिया और इसको डन कर दिया और ये मैंने नाम दे दिया जो भी, अब इसको सेव कर दिया। अभी आप देखेंगे मेरे जो मैंने रैंडम लगा के रखी थी वो चल रही है, और 6 बजने में सिर्फ 1 मिनट का अंतर है, और अभी 6 बजने ही वाले हैं। जैसे ही 6 बजेंगे मेरे होम स्क्रीन का और लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप हर घंटे के हर मिनट के हिसाब से एक बार आपने सेट कर दिया और ऑटोमेटिकली वो चेंज होते रहेंगे बैकग्राउंड, दे सकते हैं कि जैसे ही 6 बजे वो आपके सामने ही ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, और अगर आप मैं लॉक स्क्रीन पर आऊँ तो लॉक स्क्रीन पर भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो ये एक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार है यार, मुझे ये वाला फीचर तो बहुत ही शानदार लगा। इसमें अलग अलग टाइम आप लगा सकते हैं, लाइक मैं ऑफिस टाइम पे जाऊँ तो मेरा कैसा हो जाए, या मैं कॉलेज में हूँ तो उस टाइम कैसा हो जाए, या मैं घर पे आऊँ तो कैसा हो जाए। तो आप अलग अलग अपने सेट आउट कर सकते हैं, लाइक मैं घर पे हूँ फैमिली टाइप में हूँ तो फैमिली टाइप की फ़ोटो वॉलपेपर में लग जाए, अगर मैं कहीं बाहर हूँ फ्रेंड्स के साथ हूँ तो फ्रेंड्स की फ़ोटो लग जाए। ऐसा आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं जैसा भी आपको करना चाहे, बट मुझे ये वाली ट्रिक तो बहुत ही शानदार लगी यार दोस्तों। ये आपको यहाँ जाना है प्लस पे, यहाँ जाना है ऐड पे, यहाँ पर आप स्पेसिफिक टाइम ले लेना। स्पेसिफिक टाइम लेने के बाद लाइक अब 6 बज चुका है तो मैं यहाँ 6:02 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डन करा, यहाँ पर करा डन पे, यहाँ मैं गया वॉलपेपर्स में, वॉलपेपर्स में जाने के बाद चेंज लॉक स्क्रीन पे गया। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद अब लाइक मैं नॉर्मली लगा लेता हूँ ताकि आपको पता लगे, लाइक मैंने ग्राफिक्स ही लगा दिए, ठीक है ये हो गया एक। फिर ऐड एक्शन किया, फिर मैं गया वॉलपेपर्स में, फिर गया मैं चेंज होम स्क्रीन वॉलपेपर्स में, फिर मैंने ये वाला लगा दिया ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर सेव किया और मैंने इसको डन कर दिया। अब डन करने के बाद आप देख रहे हैं मैंने 6:02 पे लगाया, अभी 6:01 हुआ है, और देखते देखते जैसे टाइम चेंज होगा ऑटोमेटिकली ये पीछे का बैकग्राउंड फिर आउट चेंज हो जाएगा, या बोल सकते हैं पीछे की फोटो फिर चेंज हो जाएगी। दोस्तों ये फीचर तो मुझे रियल में बेस्ट लगा यार, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये फीचर पता था। ये बस सिर्फ MIUI 5.1 में ही मिलेगा, अगर आपके पास MIUI 5.1 नहीं है तो मे बी ये नहीं चले, हो सकता है। वीडियो लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी बनाऊंगा, बट मैंने आपको 2 बार इसलिए बता दी ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। और भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो यार वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप देख सकते हैं ये हो गया 6:02 और ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज हो गया और ये लॉक स्क्रीन का भी चेंज हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।